हम यहाँ से छोटे मोटे बच्चों को छोड़ के जाते हैं तो बड़ी तकलीफ बनते हैं और समय पर राशन भी नहीं मिल पाते हैं तो वहाँ भी परेशानी हो जाते हैं। 11-12 बजे रात लौट के आते हैं, अब कभी राशन भी मिल पाता है कभी नहीं मिल पाता है, तो दूसरा दिन मिलता है तो दो दो दिन की परेशानी आता है। दीदी 10 किलोमीटर है और कहीं गाड़ी के साधन भी नहीं बनता है, सिर पे जाते हैं, कई दिन मिलते हैं कई दिन नहीं मिलते हैं, बहुत भटकते हैं हम। गांव के लोग आगे कार्यवाही करने के लिए प्रस्ताव और दस्तावेजों के साथ सोसाइटी अध्यक्ष श्री प्रभुदयाल को दिए हैं और प्रभुदयाल के द्वारा कलेक्टर के यहाँ 20/6/2014 को आवेदन लगाया गया है, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। जनता के हित के बारे में हम लोग परेशानी को देखते हुए और उनके लिए यहाँ सुविधा किया गया है उचित मूल्य की खाद्यान्न देने के लिए। ये व्यवस्था किसके आधार पे हुआ है, पंचायत के मांग के आधार पे या लोगों की मांग के आधार? लोगों की मांग के द्वारा पंचायत में ये घोषणा की, पंचायत द्वारा ऊपर शिकायत गया कलेक्टर महोदय के आदेश के अंतर्गत में। खाद्यान्न कब आया था? ये 10 तारीख का आया था दीदी पंचायत में, और अपने रैयत में भी आ चुके हैं, और 10 तारीख यानी 14 तारीख को यहाँ भुगतान भी हो रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। इस जो ये समस्या है और ये बदलाव जो हुआ है, आप लोगों ने क्या क्या किया है तब ये बदलाव आया है? दीदी हमने बहुत कोशिश किए हैं, 2002 से हमने पूरे गांव के लोग हम लोग मांग किए थे तो वो मांग आज हमारी पूर्ति हो रही है, तो हमारे बाल बच्चों और सभी लोगों को बहुत अच्छी लग रहा है। मेरा मानना है कि अगर इसी तरह गांव के लोग सरपंच का सहयोग करते हैं तो बदलाव में देरी नहीं होती। मैं सरोज परस्ते, कौआ झरमाल, विकासखंड सहपुरा, जिला डिंडौरी, मध्य प्रदेश से, इंडिया अनहर्ड के लिए।